Giridhar sir, welcome to the meeting. We are very, really, really obliged to have you here, sir. We are very, very thankful that you took time for attending this meeting. मैं सबको बताना चाहूंगा कि आज हमारे चीफ गेस्ट गिरिधर सर हैं, मिस्टर गिरिधर रेड्डी, जो प्रिंसिपल हैं आगा खान स्कूल मुंद्रा. आगा खान स्कूल मुंद्रा आता है आगा खान एजुकेशन सर्विसेज इंडिया. ये ऑर्गेनाइजेशन 15 कंट्रीज में 200 से भी ज्यादा स्कूल्स चलाते हैं, और इंडिया में जो इसका मदर स्कूल है, जो फर्स्ट स्कूल है, वो आगा खान स्कूल मुंद्रा रहा है. और गिरिधर सर इस वक्त आगा खान स्कूल मुंद्रा के प्रिंसिपल हैं, और उस स्कूल का सक्सेस, जो आज जो सक्सेस खड़ा है, जिस सक्सेस में वो स्कूल खड़ा है, उसमें एक बहुत बहुत बड़ा रोल गिरिधर सर ने प्ले किया है, और उनके वजह से है आज जो आगा खान स्कूल मुंद्रा का एक बहुत बड़ा पिक्चर दिखाई दे रहा है. आगा खान स्कूल मुंद्रा इज डॉक्यूमेंटेशन, और इसमें उनको बीइंग द बेस्ट स्कूल का अवार्ड दिया गया है, एंड दैट टू ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ गिरिधर सर. आई एम रियली 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 हैप्पी एंड वेरी मच ऑब्लाइज्ड टू हैव यू सर. आई एम हैप्पी दैट यू आर हियर सर. मैं आप सबको बताना चाहूंगा, गिरिधर सर इज द प्रिंसिपल ऑफ सच अ बिग इंस्टीट्यूट, बट इफ यू मीट हिम, अगर आप उनको मिलेंगे तो बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन. आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप किसी प्रिंसिपल से मिल रहे हैं करके. इज अ वेरी वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, बहुत हाई रियली. नो सर, हाउ मच एवर आई टेल, आई हैव वर्क्ड, मैं गिरिधर सर के अंडर काम किया हूँ, और मेरे लिए वो शायद वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस है जो मैं सीखा हूँ गिरिधर सर से. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग सर, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एज आवर चीफ गेस्ट टूडे. पार्थ सर, नाउ एवरीथिंग, सब कुछ आप आपके हाथ में, यू कैन स्टार्ट ओवर, टेक ओवर फ्रॉम हियर. स्वागतम अनिल महोदय. हमारे जो मुख्य वक्ता है वो भी हमारे बीच अभी आ चुके हैं, हमारे गुरु जी है. स्वागतम अनिल महोदय. नमो नमः. नमो नमः. नमो नमः. नमो नमः. स्वागतम. अधुना कार्यक्रमस्य प्रारंभे गणेश श्लोकार्थे अहम् ईशा जोशी भगिनी निवेदयामि कृपया अत्र आगत्य. और एक दूसरी बात कि आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि ये पूरा प्रोग्राम अभी लाइव चल रहा है, तो जिसका भी ऑडियो वीडियो ऑन होगा वो बड़ी स्क्रीन में दिखाई देगा, तो इसीलिए जिस जिस का नाम आए उसे अपना ऑडियो वीडियो ऑन करना है. तो अहम गीता अहम गणेश श्लोकार्थे ईशा जोशी भगिनी निवेदयामि कृपया अत्र आगत्य गणेश श्लोकं वदतु. ईशा जोशी. शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. नमो नमः. अधुना सूत्र संचालन कार्यभार अस्माकं अष्टम कक्षीय विद्यार्थिनी प्रसिद्धि राज्यगुरु सा सूत्र संचालनस्य कार्यभारं प्रसिद्धि राज्यगुरु. नमो नमः. मम नाम प्रसिद्धि राज्यगुरु. अद्य बाल शिबिरस्य समापनम् अस्ति. समापनम् कार्यक्रमे अहम् सूत्र संचालनम् करोमि. इदानीं प्रणीता भगिनी स्वागत भाषणम् करोति. नमो नमः. अद्य संस्कृत बाल शिबिरस्य समापन कार्यक्रम अस्ति. कार्यक्रमे मुख्य अतिथि महोदय, मुख्य वक्ता, सनफ्लावर विद्यालयस्य आचार्य एवं व्यवस्थापकः, शिक्षिकाः, छात्रा च आगता, सर्वेषां स्वागतम् करोमि. धन्यवादः. रोशन शिवस्य मंगल श्लोके वदति.
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं बुधगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि. नमो नमः. बहु सम्यक्. सोनल भगिनी काकस्य कथायां वदति. एकः काकः अस्ति. सः अतीव तृषितः अस्ति. सः अत्र पश्यति जलं नास्ति. सः तत्र पश्यति जलं नास्ति. सः उड्डयन करोति. मार्गे एकं घटं पश्यति. घटे किञ्चित् जलं अस्ति. काक चिन्तयति किं करोमि. काकः एक उपाय करोति. काकः पाषाण खण्ड स्वीकरोति. घटे स्थापयति. एवं पुनः पुनः करोति. जलम् उपरि उपरि आगच्छति. काकः जलं पिबति. संतोषेण उडयति. आनन्दमय अनुभवति. धन्यवादम्. सुन्दरम्. प्रियांशी हरे मंगल श्लोकम् गायति. कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. धन्यवादः. इदानीं कायल, माहिर, यश्वी, रोशन च संस्कृत बाल गीतम गायन्ति. बाल सुनक किम करोति रे. बाल सुनक किम करोति रे. बाल सुनक किम करोति चोर आगते. भो 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 बसामि चोर आगते. तस्य पादं वि यामि चोर आगते. धन्यवाद. नमो नमः. मार्जार किं करोति रे. मूषकर्षदर्शनेन किं करोति रे. तूसीं सविसीं तस्य गामने. मूषकं खादामि म्याव म्याव म्याव. धन्यवादः. शुकराज किं करोति रे. अतिथिनम् आगमने किं करोति रे. हरे राम इति वदामि भो. स्वागतं संशामि त्रेषां गृहे. धन्यवादम्. गजराज किं करोति रे. सिंह शिशु दर्शनेन किं करोति रे. धावामि शीघ्रं प्रभो. धावित्वम् आत्मानि रक्षामि भो. धन्यवादः. बहु उत्तम. यशराज
भास्करमङ्गलश्लोके वदति तनीष् मोहिनी आगच्छति वैद्यां रोगी सम्भाषणं करोति आगच्छतु वदतु किं कष्टम् अस्ति महोदया मम उदरपीडा अस्ति अस्तु पश्यामि महोदय भवान् किं किं खादतु महोदये मम मित्रस्य विवाहः अस्ति तत्र अहं शाकं पूरिकम् ओदनं च खादामि अन्यथा किं किं खादतु महोदया मम रसगोलकं मह्यं बहु रोचते रसगोलकं खादामि पयोहिमं खादामि अत एव उदरे पीडा भवति चिन्ता मास्तु अहम् औषधिं ददामि अग्रे दिनानि केवलं दधि ओदनं च खादतु सम्यक् भविष्यति धन्यवादः स्वागतम् बहु उत्तम नीतराज अम्बाया श्लोके वदति सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमो नमः उत्तम धीमहि केवल संस्कृत संख्या वदति संख्या एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दश धन्यवाद एकम मम हृदयम एकम द्वे 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 मम नेत्रं द्वे त्रीणि 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 बिलवपत्राणि त्रीणि चत्वारि 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 ब्रह्मस्य मुखानि चत्वारि पञ्च 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 मम अहुमूल्य पञ्च षट् 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 कार्तिकेस्य मुखानि षट् सप्त 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 सप्तऋषयः अष्ट 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 मातृभुजा अष्ट नौ 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 नवरात्रि दश 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 रावणस्य मुखानि दश धन्यवादम् अति उत्तम कायल स्वपरिचय वदति मम परिचय मम नाम कायल अहम् छात्रा अहम् बालिका मम तातस्य नाम चंदन भ्राता मम अम्माया नाम शैलजा भगिनी मम अनुजस्य नाम विहान मम विद्यालयस्य नाम सनफ्लावर विद्यालये धन्यवाद धन्यवादः कबीर स्वपरिचय वदति मम नाम कबीरः अहम् बालकः अहम् छात्र मम तातस्य नाम निकुञ्ज भ्राता मम अम्बाया नाम पारुल भगिनी मम अग्रजस्य नाम वेदांत भ्राता मम अग्रजाया नाम प्रसिद्धि भगिनी मम अनुजस्य नाम ओम भ्राता मम अनुजाया नाम जिया भगिनी अहम् दश वर्षः अस्ति अहम् जामनगरं निवसामि मम विद्यालयस्य नाम सनफ्लावर स्कूलम् अस्ति मयम् लड्डुकं रोचयते अहम् आरक्षकः भविष्यामि धन्यवादः धन्यवादः यशराज स्वपरिचय वदति
तद अनन्तरं पार्थ भ्राता क्रियापदानि एवं वस्तु परिचय दर्शयति। मम नाम पार्थ। अहम् क्रियापदानि वदति। अहम् चालं गच्छामि। अहम् गृहम् आगच्छामि। अहम् लड्डुकं खादामि। अहम् भोजनं करोमि। अहम् जलं पिबामि। अहम् दूरदर्शनं पश्यामि। अहम् संगीतं शृणोमि। वस्तु परिचय। थालिका, पुस्तकम्, स्यूतः, जलकूपी, चषकः, उपनेत्रम्, शिलाखण्ड, कङ्कणत्वम्, फलम्, मापिका, पेटिका, कन्दुकम्, पुष्पम्, दन्तकूचः, आङ्कडी, कुञ्चिका, छुरिका, कर्तरी। धन्यवाद। धन्यवादः। इदानीम् अभिभावक सुधा भगिनी आगच्छति, स्वस्य अनुभवं वदति। आदरणीय अतिथिगण, शिक्षकगण एवं प्यारे छात्रों, आप सभी को नव वर्षाभिनंदन। नमो नमः। 7 दिन के इस संस्कृत संभाषण में हम लोगों ने न सिर्फ संस्कृत के महत्व, प्रयोग और उपयोग को सीखा, बल्कि संस्कृत हमको संस्कृत लिखना पढ़ना व बोलना सिखाया। सनफ्लावर स्कूल के संस्कृत शिक्षक और जामनगर संस्कृत भारती के शिक्षकों ने हमें संस्कृत को बेसिक लेवल से सिखाया गया। पहले सर्वप्रथम हमको संस्कृत का ग्रामर व्याकरण सिखाया गया, जिसमें कि हमको सिखाया गया कि किस प्रकार वचन और पुरुष तथा काल के अनुसार क्रिया कैसे बदलती है। उसी के अनुसार बच्चों को ये सिखाया गया कि वो अपने दिन प्रतिदिन कैसे आप संस्कृत बोल सकते हैं। जैसे कि हमको सिखाया गया कि अहम गच्छामि, अहम पठामि, अहम लिखामि, अहम पश्यामि, अहम तिष्ठामि, ये ऐसे आदि वाक्यों को सिखाया गया जो कि बच्चे रोजमर्रा की जिंदगी में वो बोल सकते हैं। और हमको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग जैसे शब्दों को प्रयोग करना सिखाया गया। और संस्कृत में हमको सिखाया, संस्कृत की संख्याओं को सिखाया गया, तथा मनुष्य के शरीर के अंगों को संस्कृत के में क्या शब्द हैं वो सिखाया गया। पशु पक्षियों को संस्कृत में क्या बोला जाता है ये सिखाया गया। और ईश्वर की आराधना के मंत्रों का शुद्ध उच्चारण हमको सिखाया गया, जो कि हमको नहीं आता अच्छी से। हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो हमको उच्चारण शुद्ध आता ही नहीं है, जो कि हमको संस्कृत के शिक्षकों ने हमको सही उच्चारण सिखाया। हमको संस्कृत में कहानी बताई गई जो कि जिसका कि शीर्षक था चतुरह काकह। हमको बालगीत भी सिखाया गया जो कि एक तोते के बारे में है, माजार के बारे में था और गजराज के बारे में था और बालशुरक के बारे में था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों को सिखाया गया अपना परिचय देना, स्वपरिचय, वो भी इस बेसिस पे क्योंकि उन्होंने अच्छा से हमको व्याकरण का परिचय बताया, जिस प्रकार बच्चों ने अपना
स्वपरिचय देना, बच्चे अब जान गए हैं, पहले उनको संस्कृत, पहले इंग्लिश और हिंदी में ही वो परिचय दे पाते थे, लेकिन अब वो अपना परिचय संस्कृत में देने में सक्षम है। हमको पता है कि हमारी संस्कृत भाषा भारत के समस्त भाषाओं की जननी है और हमारे देश के समस्त साहित्य और इतिहास जो भी है वो संस्कृत में ही लिखे गए हैं। इसीलिए हमें ये अनिवार्य हो जाता है कि संस्कृत भाषा का ज्ञान हमको हमारे जिंदगी में संस्कृत भाषा का महत्व और संस्कृत भाषा का ज्ञान हमारे जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आजकल इस पीढ़ी के बच्चों को संस्कृत जानना, पढ़ना लिखना आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि संस्कृत भाषा हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश का परिचय है। और इसी प्रकार अगर बच्चे संस्कृत नहीं जानेंगे तो अपने देश की संस्कृति को विश्व स्तर पर प्रकट नहीं कर पाएंगे। नमो नमः। और मैं सनफ्लावर स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षकों तथा संस्कृत भारती जामनगर की शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा हमको मौका दिया संस्कृत सीखने का। हमको संस्कृत तो आती थी, लेकिन इतनी अच्छी संस्कृत नहीं आती थी, क्योंकि अब यहाँ के शिक्षक जो है वो बहुत ही पारंगत है। धन्यवाद। नमो नमः। अम्बा धन्यवाद। इदानी कोमल भगिनी किंचित घोषणा करिष्यति। सर्वेभ्यो नमो नमः। घोषणा तो नास्ति, किंतु हमें और भी आगे संस्कृत को पढ़ना है। तो अभी तो वर्चुअल क्लास होती है, ऑनलाइन भी हम सब पढ़ रहे हैं, तो और इतनी हम कैसे आगे संस्कृत को पढ़ सकते हैं? तो इसलिए मैं यहाँ पे एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। देखो, अब हमको कोई कथा सुननी है, तो हम एक कथा, गीत वगैरह भी हम सुन सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं कथा आपको बता रही हूँ। देखो, तो यहाँ पे बहुत सारी कथाएं हैं, वो YouTube पे अवेलेबल है। यदि हमको और भी हमको कथा है और हमको कुछ गीत भी है, तो गीत भी वहाँ पे है। देखो, यहाँ पे गीत भी है, हम गीत भी यहाँ पे नए नए गीत भी हम पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो संस्कृत ट्यूटोरियल है, उस वेबसाइट में हमें सभी ये सुभाषित, कथा, गीत हम सब वहाँ पे देख सकते हैं संस्कृत में, और हम पढ़ भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। यदि हमको कुछ मन में प्रश्न होता है कि इसको हम संस्कृत में क्या कहेंगे, तो फिर हमको ऑनलाइन भी वो भी अवेलेबल है। spokensanskrit.org वेबसाइट है, उस वेबसाइट में आपको दिखा रही हूँ। तो वो उस वेबसाइट में आप जो भी शब्द है, आप वो शब्द को यहाँ पे लिखेंगे तो आपको वो पता चलेगा, ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे कि उसको संस्कृत में हम क्या बोल सकते हैं। तो ऐसी कई वेबसाइट है, जब हम
जब भी हम चाहे अभिभावकों से नम्र निवेदन है कि जब भी बालक मोबाइल लेकर बैठे तो आप कृपया आपसे निवेदन है कि आप उसका ख्याल रखेंगे, तो फिर उसके माता पिता के साथ बैठकर आप ये सब देख सकते हैं मोबाइल में। आप यहाँ पे संस्कृत सॉन्ग भी है, देखो ये वासर हम संडे मंडे ट्यूसडे, तो वो उसको कैसे संस्कृत में भी बोल सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे है। तो ऐसे कई सारे आपको गीत मिल जाएंगे। देखिए मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम मुझे भी नहीं आ रही। ठीक है। तो फिर मैं आपको ये सभी वेबसाइट है उसकी लिस्ट में आपको आप सबको मैं भेज देती हूँ ग्रुप में, ठीक है? तो आप अभी भी आप उसके से भी आप आगे सीख सकते हैं, ठीक है? धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। रीना भगिनी मुख्य वक्तायाम परिचयम ददाति। नमो नमः। अद्य उत्सवेन अस्माकं मध्ये मुख्य वक्तारः सन्ति डॉक्टर अनिल महोदयः। डॉक्टर अनिल भ्राता द्विवेदिनः 27 वर्षेभ्यः जामनगरस्य श्री एके दोषी महिला महाविद्यालये संस्कृत अध्यापकत्वेन कार्यं कुर्वन्ति। ते संस्कृत भारती जामनगर जनपदस्य अध्यक्षाः सन्ति। ते मामपि अध्यापकाः। सम्प्रति अहम् प्रार्थयामि अनिल महोदयान् यत् स्वकीयेन वक्तव्येन प्लावर्ययेहु अस्मान्। डॉक्टर अनिल भ्राता द्विवेदिनः। सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेषाम् अत्र स्वागतम्। प्रायः संस्कृत भारती सततं प्रयत्नशीला वर्तते। एतेषां प्रयत्नानां परिणामः एतादृशं सुन्दरं फलम्। अतः मम मनसि आनन्दः सञ्जातः। आनन्दस्य कारणं बालाः किं कर्तुं प्रभवन्ति एतत् वयं सर्वे ज्ञातवन्तः। यद्यपि बालाः बालाः एव, तथापि तेषां वर्तनम् अबालसदृशं वर्तते। मम मनसि काचित् कथा आगता। कथां सम्पूर्णां न कथयिष्यामि, किन्तु तस्य सारं तस्याः सारः एतादृशः वर्तते। बीरबलः एकदा उक्तवान् बालाः यत् कर्तुं प्रभवन्ति तत् तरुणाः स्थविराः कर्तुं न शक्नुवन्ति। तदा अकबर् महाराजेन उक्तं यत् एतत् प्रयोगद्वारा दर्शयतु भवान् इति। तदा बीरबलेन प्रयोगः कृतः। कश्चित् दुर्गः आसीत्, तस्य दुर्गस्य उपरि हस्तिस्थापनां कृतवन्तः अर्थात् दुर्गस्य उपरि हस्तिनं अस्थापयन् सर्वे बालाः। एतत् सर्वं दृष्ट्वा अकबरः आश्चर्यचकितः सञ्जातः। तेन उक्तम् एतत् सर्वं कथं कृतं? तदा बीरबलेन उक्तं बालैः एव सर्वं कृतं, केवलं मया तु मार्गदर्शनं दत्तम् इति। अतः बालकेभ्यः केवलं मार्गदर्शनम् एव इप्सितम्, अन्यत् सर्वं ते कुर्वन्ति एव। अद्य ये बालाः भागं गृहीतवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः अहम् अभिनन्दनानि कथयामि, पुनः पुनः साधुवादान् वितरामि। एतादृशाः कार्यक्रमाः अस्माकं संस्कृतभारती कृते गौरवान्विताः भवन्ति। समाजे संस्कृतसम्भाषणं केन प्रकारेण कर्तव्यं, सम्भाषणं केन प्रकारेण भवति, एतत् सर्वं एतादृशेभ्यः कार्यक्रमेभ्यः वयं सर्वे ज्ञातुं शक्नुवन्ति। अतः एतत् दृष्ट्वा अहं नितरां सन्तुष्टः प्रसन्नः। अन्यत् सर्वेभ्यः अभिनन्दनानि तु ददामि एव, विशेषतः मम संस्कृतभारत्याः ये समितिः वर्तते तस्यै अपि अहं हृदयपूर्वकम् अभिनन्दनानि, यतः
कार्यव्यापृतत्वात् क्वचित् क्वचित् एतत् सर्वं भवति, किन्तु सर्वे अत्यन्तं कृतभूरिपरिश्रमः एतादृशं वक्तुं मम मनसि इच्छा सञ्जायते। अतः सर्वेभ्यः पुनः पुनः अभिनन्दनानि। अस्माकं मध्ये बहवः अतिथयः अपि आगच्छन्ति, यथा रेड्डी महोदयाः अपि आगमिष्यन्ति, एवं एतादृशानां जनानां सहयोगेन अस्माकं कार्यक्रमाः समृद्धाः भवन्ति, प्रशंसनीयाः भवन्ति, गौरवान्विताः भवन्ति। सर्वेषां पुनः पुनः सर्वेषां प्रति मम कृतज्ञतां ज्ञापयामि। अन्यत् सर्वं अतीव भृशम् आनन्दकरं, विरमामि। धन्यवादः महोदय। भाविन भ्राता मुख्य अतिथि नाम परिचय ददाति। नमो नमः। मम नाम भाविन पंड्या। अद्य अहम् अस्माकं मुख्य अतिथि नाम परिचयं कारयामि। श्री गिरिधर रेड्डी महोदयः आगा खान विद्यालये प्राचार्य रूपेण कार्य कुर्वन्ति। ते षट्वर्षेभ्य प्राचार्य रूपेण कार्य कुर्वन्ति। अहम् गिरिधर रेड्डी महोदयेभ्य निवेदयामि यत् ते कृपया बालोत्सव्य विषये अत्र आगत्य स्वस्य विचारान् प्रकटयतु। गिरिधर रेड्डी महोदय। गुड इवनिंग टू ऑल। Our respected principal Thompson sir and Anil Bhai Divedi, Sanskrit Bharati Jamnagar, adhyaksh, teachers of Sunflower School, and parents, students, a very good evening. Hope you are able to hear me. Can anyone confirm it? Yes, sir. Very much. Thank you so much. Yes, sir. Yes, sir. Okay. I am really stunned by all the performances that you have given. It is complete introduction song to the all the program that is been organized. It is very well organized in a sequential manner. Just I would like to quote few things like I have come to know about the numbers, then action words. There are a lot of things that self-introduction was done. They were talking about things. They were talking of, and very nicely skit is being presented. It was very wonderful way of doing it. And there was one more show, which was puppet show, which was about the crow and all that. Very well done. I like all the presentations. Thompson sir and Sanskrit Bharati team, very well instructed. I think you people have trained all the children very nicely. See, this is the confidence. If they have Sanskrit fluency, then I think this is the mother language for all other things. So if they are perfect in this, then they will be learning each and everything that come into their studies. So I congratulate Thompson sir and Sanskrit Bharati team for wonderfully organizing such event. And I need to appreciate each and every child who has performed and each and every teacher who spoke. Very well done, very well done. This is the confidence that you have shown in this very nicely programmed. I can put it in computer language, everything is programmed. So very well done. All the children, congratulations for wonderful thing. Thank you, Thompson, for calling me for such a wonderful program. I'm always there to support such type of programs. I liked it, and definitely in future, whenever possible, we'll try to collaborate on these type of things. Thank you. All the best. Thank you, sir. Dhanyavad Mahodaya. Thank you, sir. Neelam Bhagini. Neelam Bhagini.
Prasidhi, 1 minute. Prasidhi, 1 minute. I would like to tell something. Prasidhi, can you switch off your video, please? Thank you. First of all, I would like to just tell Giridhar sir, thank you for coming. Anil sir, Sanskrit Bharati Jamnagar's full team, जिन्होंने भी हमारे लिए ये सब कुछ किया, मतलब जितना हमारे साथ सपोर्ट किया, या अगर कहीं पे भी छोटा जरूरत था, wherever there was need from you, आप लोग की तरफ से जो भी जरूरत था, हम शायद इतना नहीं कर पाते, उतना ज्यादा आप लोग की तरफ से जो सपोर्ट मिला है, पेरेंट्स की तरफ से, मेरे जो साथ में दूसरे कोलीग्स हैं उनकी तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, एवरीबडी. अब मैं अगर थैंक यू अगर बोलने जाऊंगा तो द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग, और नीलम मैडम ऑलरेडी वो टास्क उनको दे चुके हैं, शी विल बी थैंकिंग. बट पर्टिकुलरली मैं पार्थ सर को बहुत बहुत थैंक यू देना चाहूंगा, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, क्योंकि उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया, पूरा कोऑर्डिनेट किया है. शायद मुझे कुछ भी इसमें नहीं करना पड़ा है, व्हेनेवर कुछ भी प्लानिंग था वो प्लानिंग लेकर आए हैं, मुझे बताया सर ऐसा करना है, मैंने सिर्फ हाँ बोला है और डिटेल्स पूछा है. मेरा जितना अगर कुछ कंट्रीब्यूशन है तो पार्थ सर का जितना कंट्रीब्यूशन है उसके सामने मैं उसको जस्ट 2% में डालूंगा. द रेस्ट 98% वॉज डन बाई हिम, एंड देर वेर अदर टीचर्स हु हैव सपोर्टेड पार्थ सर इन एवरीथिंग, भाविन सर, प्रणीता मैडम, जयदेव सर, एवरीबडी. सो वंस एंड फॉर ऑल मैं सब लोग को थैंक यू बोलना चाहूंगा, थैंक यू बोलना चाहूंगा गिरिधर सर आपको, अनिल सर आपको, कोमल मैम आपको, और पूरा संस्कृत भारती टीम, संस्कृत भारती जामनगर का टीम, पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को भी थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. धन्यवाद महोदय. धन्यवाद भाषणम ददाति. अद्य संस्कृत बाल शिबिरस्य समापनः कार्यक्रमे बालकाः उत्तमं कार्यक्रमं कुर्वन्ति. आचार्य, विद्यालयस्य व्यवस्थापकः, शिक्षक, शिक्षिकाः एव संस्कृत संस्कृत समारम्भः मार्गदर्शनं कुर्वन्ति. मुख्यवक्ता तथा मुख्य अतिथि उद्बोधन कुर्वन्ति, प्रेक्षकाः प्रोत्साहन कुर्वन्ति. सर्वेषां धन्यवादः. नमो नमः. धन्यवाद महोदय. विभूति भगिनी कल्याण मंत्रम गायन्ति. धन्यवाद. धन्यवादः महोदय. नमो नमः. शुभ दिनम्. जय संस्कृतम्. जय भारतम्. सर्वेभ्यः नमो नमः. पुनर्मिलामः. नमो नमः सर. नमो नमः. नमो नमः. नमो नमः. नमो नमः. नमो नमः सर. मैं जॉइन मतलब लेफ्ट हूँ ना. नमो नमः सर. नमो नमः प्रातः. सर लेफ्ट होना है. हाँ हाँ बेटा.
नमो नमः।